Dear students, today we will discuss new topic, that is dinoflagellate. डायनोफ्लेजलेट की बात करते हैं, ठीक। डायनोफ्लेजलेट्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, क्या क्या शो करते हैं, ठीक। तो डायनोफ्लेजलेट जो होते हैं ये मोस्टली मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली मैराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक इन नेचर्स के होते हैं, एंड कह सकते हो आप फोटोसिंथेटिक इन नेचर्स के होते हैं। तो मोस्टली मैराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक नेचर्स के होते हैं। इनका जो कलर होता है वह येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, ब्राउन भी होता है, रेड भी होता है, ब्लू और रेड भी होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लू और रेड कलर के भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट। आप कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देम सेल्स, प्रेजेंट इन देम सेल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, डायनोफ्लेजलेट जो होते हैं मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक को शो करते हैं, येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लू भी होते हैं और रेड भी होते हैं। ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम सेल्स, किस सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं इसके। इसकी जो सेल वॉल होती है वह स्टिफ सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? इसकी जो सेल वॉल होती है इसकी जो प्लेट होती है स्टिफ सेलुलोज की प्लेट प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस पे इसकी प्लेट पाई जाती है। तो सेल वॉल इसकी जो होती है स्टिफ सेलुलोज की बनी होती है, प्लेट ऑन आउटर सरफेस पे पाई जाती है। इसमें टू फ्लैजेला होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें टू फ्लैजेला होते हैं। एक होता है, वन आप कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल होता है। जो दूसरा होता है वो ट्रांसवर्सली होता है, अदर लॉन्गिट्यूडनली बोल सकते हो, डेट विल डिपेंड ऑन यू, अदर ट्रांसवर्सली होता है बोल सकते हैं, ठीक। इन फारो बिटवीन द वॉल प्लेट, कहाँ पे? इन फारो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो सेल वॉल जो इसका होता है स्टिफ सेलुलोज का बना होता है। जो सेलुलोज की प्लेट होती है ऑन आउटर सरफेस पे पाई जाती है। इसमें टू फ्लैजेला होते हैं, वन लॉन्गिट्यूडनली अदर ट्रांसवर्सली। ये जो होते हैं इन फारो बिटवीन द वॉल प्लेट्स वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लेजलेट, ये प्राय जो होते हैं वेरी ऑफन आप कह सकते हो वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लेजलेट्स। तो वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लेजलेट्स
एग्जाम्पल जो होता है उसका गोनियोलॉक्स होता है, लैक्स, गोनियोलैक्स। तो इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं गोनियोलैक्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को क्या कहते हैं, गोनिया, गोनियोलॉयक्स। क्या होता है इसका एग्जाम्पल, गोनियोलैक्स होता है इसका एग्जाम्पल, गोनियोलॉयक्स होता है इसका एग्जाम्पल। ठीक, आप कह सकते हैं इसे गोनियोलैक्स। इसका एग्जाम्पल जो होता है गोनियोलैक्स होता है। ठीक, अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन, अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन, अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन डैट दे मेक द सी अपीयर, डैट दे मेक द सी अपीयर, डैट दे मेक द सी अपीयर डैट इज रेड टाइड, डैट इज रेड टाइड्स, डैट इज रेड टाइड। और आप इसमें कह सकते हो टॉक्सिन रिलीज्ड बाई सच लार्ज नंबर, बाई सच लार्ज नंबर्स, टॉक्सिन रिलीज्ड बाई सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर माइरान एनिमल, मे अदर किल माइरान एनिमल, मे अदर किल, मे इवन किल, मे इवन किल अदर माइरान एनिमल, मे इवन किल अदर माइरान एनिमल सच एज फिशेस, सच एज फिशेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल्स होता है गोनियोलैक्स होते हैं, गोनियोलैक्स होते हैं, अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन डैट दे मेक द सी अपीयर डैट इज रेड टाइड, टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मैराइन एनिमल सच एज फिशेस। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात किया अभी डायनोप्लेजलेट की। डायनोप्लेजलेट जो होते हैं मोस्टली मैराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक नेचर को शो करते हैं। एक इनका कलर जो होता है येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, ब्राउन भी होता है, रेड भी होता है, ब्लू भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देम सेल। सेलवाल जो होते हैं इसके वो स्टिप सेलुलोज की बने होते हैं, इसकी जो प्लेट सेलुलोज की होती है ऑन आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। टू फ्लैजेला होते हैं इस पे, वन लंगिट्यूडनल बोलते हैं इसको, अदर को ट्रांसवर्सली बोलते हैं। इन फारो बिटवीन वॉल प्लेट्स के बीच में दोनों फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, एग्जाम्पल गोनियोलैक्स होता है इसका, अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन डेट दे मेक द सी अपीयर डेट इज रेड टाइड, टॉक्सिन रिलीज बाई सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। सो इस टॉपिक में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।